गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं हमारी साबरमती नदी में, हम सब जा रहे हैं अभी पैदल जा रहे हैं, वो भी नहाएंगे नहाकर भी ना। नहाना नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पानी आएगा, इसलिए हम नहाएंगे नहीं उधर, हम नहाकर ही गए के लिए है अभी। गाइस ये चने लिए हैं जो हमारे टाइम पास के लिए लिए है, तो वहाँ जाके खाएंगे। तो गाइस बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे अपने फोन में पन्नी लगा दी है तो वो भीगेगा नहीं। आज तो मैं छाता भी नहीं लाया, कल तो लेकर आया था, आज छाता भी नहीं लाया और बारिश शुरू हो गई है गाइस। तो हम ये वो सब जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, साथ में मैं भी जाऊंगा। हम सब मेरे भाई लोग उधर आगे गए है और अभी मैं चले जाएंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है आज। और बारिश भी शुरू है तो भाई वो सब लोग आ रहे हैं, देखो पीछे कितनी लाइन लगी है मेरे पीछे, मैं सबके आगे हूँ, तो सब आ रहे हैं। अभी बारिश शुरू थी, अब बंद हुई है। तो गाइस हम नदी के पास आ गए हैं और देख सकते हैं आप कितनी छलो छल पानी जा रहा है। इस किनारे से उस किनारे तक अभी ये हमारे मासा बैठे हैं इधर, रखवाली के लिए बैठे हैं इधर, और मेरे पापा तो सब आ गए हैं, हम भी नदी के पास आ गए हैं। चलो चल पानी जा रहा है, ये हमारी साबरमती नदी है, कितने चलो चल 11 गेट खोल दिए हैं तो इतना पानी आ रहा है, वो भी एक दो इंच ही खोले हैं तो इतना पानी आ रहा है। अब इतना फास्ट जा रहा है पानी उधर से, देखो देखिए तो गाइस इतना, पहली बार देखा ना तूने? इसने पहली बार देखा है, मैंने भी पहली बार ही देखा है क्योंकि 5 साल के बाद इतने सारे गेट खोले। तो गाइस वो सब देखने के लिए आए हैं और इसको धूप लग रही है गाइस, सभी देखने के लिए आए। जैसे क्या करने के लिए आए हो तुम? किस लिए आई हो तुम? क्या ये क्या कहते इसे? नदी कहते हैं। ये बैठ गए हैं इधर, थक गए बैठ गए, यहाँ देख रहे हैं इधर, यहाँ का नजारा देख रहे हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ का नजारा। ये तीनों बैठ के देख रहे हैं छाता, वो सब कुछ लिया है। वहाँ पे कितना धुम्मस धुम्मस सा छाया हुआ है। तो गाइस हम किनारे पे बैठे हुए चने खा रहे हैं सब, क्या करे। जेंसी को नहीं लेने का, तो खत्म कर दिए सारे, खत्म कर दिए, डिब्बे भर के लाए थे। अभी गिर जाता नहीं, ये गिर। अब बारिश होगी, देखो कितना घना घना हो गया है, देखो बादल, बारिश आएगी। बंदर का बच्चा है ये, बंदर के बच्ची हो, इधर देखो तो बंदर की बच्ची हो, किधर जा रही हो? बंदर के पास। तो गाइस ये हमारी साबरमती नदी हमारे गांधीनगर के किनारे तक ही जाती है, उधर से ही निकलती है गाइस। जैंसी को डर लगता है वो डूब जाएगी ऐसा लगता है, नहीं जैंसी डर लगता है तेरे को? तो बारिश शुरू हो गई है, तो दिख रहे हैं बारिश आ रही है गाइस।
हम अभी निकल रहे हैं। हाँ तो गाइस मेरा फोन नहीं बिकेगा क्योंकि मैंने है ना पन्नी लगा दी है। ओ चलो तुम दोनों चलो जल्दी। तो सब निकले हैं, मैं भी निकल रहा हूँ गाइस। खाता कौन पकड़ेगा? चलो तो गाइस थोड़ी थोड़ी बारिश बहुत जोरों से आई, फिर रुक गई बारिश और हमको भिगा के चली गई बारिश। तो भाई हम अभी जा रहे हैं घर पे वापस, हमने देख लिया है नजारा इसका, तो हम अभी वापस जा रहे हैं गाइस। थोड़े आगे चले गए हैं, थोड़े पीछे हैं, हम अभी फोटो खींच रहे थे, तो अब चलते हैं गाइस घर पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिख रही है। चलो खाबो चुकरी पानी में आवत दिख रही है। यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ तक पानी आया होगा मछलियाँ छोटी छोटी सी है होना चाहिए चौधरी चिड़ी लगी है। तो गाइस देख सकते हैं छोटी छोटी मछलियाँ। तो भाई हम घर पे अभी आ गए हैं और हमारा घर आ गया है। कितनी जोर से बारिश आ रही है, चाचा चाची कैसे दौड़ के आ रहे हैं, अभी गिर जाएंगे। वो दिख रहा है गाइस देख सकते हैं, ऐसे ऐसे राउंड किया हुआ है। हाँ सारा का सारा ऐसे गोल दिख रहा है ना, ऐसे करके इतना गोल किया हुआ है। इंद्रधनुष है सात रंगों का। हमारे यहाँ मान्यता है कि एक महीना ये शायद आएगा बारिश, एक महीना शायद एक महीना नहीं आएगा ऐसी बारिश दिख रहा है। ऊपर जो अरे गट्टू अदर देखा अदर जाने वाली पिनारा, ये तो खबर पर मैं तो तैनक कलर देखती हूँ। ये गोल राउंड है ऐसे दिख रहा है, नहीं देखा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें, तो पूरा का पूरा गोल है। तो गाइस में बारिश में नहा था तो मैं कपड़े चेंज कर दिए हैं और यहाँ साफ सफाई चल रही है, शिल्पा सब साफ कर रही है। देखिए काज की है मॉम की, हाँ मॉम की है वो। तो हमारे कबाड़ सभी साफ हो रहा है, कैसा लग रहा है इस कबाड़ कैसा लग रहा है देखो तो, पूरा का पूरा कबाड़ कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो गाइस रात के 11 बजे है तो मेरे को इन दोनों को भूख लगी थी तो हम अभी खाने के लिए बैठे हैं और अभी खा रहे हैं।
हे गाइस, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही हम दूसरे ब्लॉग के साथ कल मिलेंगे। गुड नाइट।